So we can hear we are with the other topic, that is the urinary tract infection, and commonly it is known as UTI. Okay, urinary tract infection or UTI. So first, from its definition, it is the symptomatic presence of microorganism. सिम्टोमेटिक प्रेजेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से अक्सर सिम्टम्स अपीयर होते हैं और वो सिम्टम्स हम आगे चल के साइलेंट सिम्टम्स में डिस्कस करेंगे. बट मेन जो सिम्टम होता है इसका वो क्या है कि यूरिनरी डिस्कम्फर्ट होती है, या आप ये कह सकते हो कि पेल्विक डिस्कम्फर्ट होती है, जिसकी वजह से यूरिनेशन में प्रॉब्लम होता है, एंड दैट इज द सिम्टोमेटिक सिम्टम ऑफ यूटीआई. सो सिम्टोमेटिक प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटीआई यूरिनरी ट्रैक के अंदर आ गया है, तो उसके साथ जो एसोसिएटेड होंगी इन्फ्लेमेशन, यानी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनाइजेशन हो रही है वहाँ पे, वो कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहा है और उन टॉक्सिन्स की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो रही है. तो उस इन्फ्लेमेशन को, जो कि यूरिनरी ट्रैक में ड्यू टू द सिम्टोमेटिक अपीयरेंस ऑफ द आर्थर एक्युमुलेशन आर्थर कॉलोनाइजेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड द यूटीआई. ठीक, देखो बेटा, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था बैक्टीरियल फ्लोरा के बारे में, कि यूजुअली हमारे पूरी बॉडी के अंदर जो है वो नॉर्मली बैक्टीरियल फ्लोरा प्रेजेंट होता है, विच आर एडवांटेजियस फॉर द बॉडी. बट अगर उनमें से कोई भी बैक्टीरिया जो है वो रेजिडेंट की बजाय ट्रांजिएंट स्पेस पे चला जाए, यानी दूसरी जगह पे चला जाए, तो इट वुड बिकम हार्मफुल फॉर दैट स्पेस. ठीक है, सो अगर हम ये कहें या अगर उसकी अमाउंट इंक्रीज हो जाए, तो इन दोनों केसेस में जो है वो हमारे लिए वो बैक्टीरिया हार्मफुल हो जाता है. एक तो ये बात, दूसरा ये कि जब भी कोई बैक्टीरिया किसी भी अदर वे से हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो और कोई यूरिनरी ट्रैक तक चला जाए, तो अगर वो वहाँ पर जाके एक्युमुलेट हो रहा है, उसने बाकी बैक्टीरिया के ऊपर अपना कंट्रोल ले लिया है, तो वहाँ के यूजफुल बैक्टीरिया उसको डिग्रेड नहीं कर पाते हैं, तो भी आप ये कह सकते हो कि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन क्रिएट होगी. क्यों क्रिएट होगी? क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ पर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे और टॉक्सिन्स के रिजल्ट में इन्फ्लेमेशन क्रिएट होती है. उस इन्फ्लेमेशन को आप यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं. ठीक, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक. में आपको पता है किडनी, ब्लड यूरिटर, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा आता है. सो उसी के बेस के ऊपर हम इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट इज द यूरिथ्राइटिस. यूरिथ्राइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑन यूटीआई इन किसमें? यूरिथ्रा. ठीक है, सो इफ द यूरिथ्रा गेट इन्फेक्टेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द प्रोडक्शन ऑफ द टॉक्सिन्स बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन द इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूटीआई इज नोन एज यूरिथ्राइटिस. ठीक, एंड इफ दैट इन्फ्लेमेशन टेक प्लेस इनसाइड द ब्लैडर, सो ब्लैडर के साथ अगर वो इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड द सिस्टाइटिस. And if the inflammation takes place inside the kidney, then it is called the pyelonephritis. ठीक है, सो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं. आप देखें हमारे पास एक्चुअली यूरिटर के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट नहीं होती, क्योंकि यूरिटर जो है वो जस्ट इज अ पैसेज और उसका आउटर एनवायरनमेंट के साथ भी कोई लिंक नहीं होता, इसलिए यूजली यूरिटर में इन्फ्लेमेशन जो है वो क्रिएट नहीं होती. और तो यूरिथ्रा इज ऑल्सो अ पैसेज, लेकिन क्योंकि उसका आउटर एनवायरनमेंट से लिंक है और वो कैप्चर कर सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो दैट्स व्हाई इन्फ्लेमेशन कुड टेक प्लेस इन द यूरिथ्रा. ठीक है, अच्छा बेटा, अब इनकी बेस के ऊपर हम यूटीआई को टू डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, अपर यूटीआई एंड लोअर यूटीआई. ठीक है, सो इफ इट कम्स द अपर यूटीआई, देन इट इज द पायलोनेफ्राइटिस, मींस इट अकर्स इन द अपर रीजन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक, दैट इज द किडनी. ठीक है, सो द पायलोनेफ्राइटिस आर द इन्फेक्शन ऑफ द किडनी, कैन बी एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस. एक्यूट का मतलब आपको पता है कि जो सडन होता है, एंड इट कैन बी क्रोनिक, मीन्स इट कैन बी द सिम्टम्स कैन बी प्रोलॉन्ग. ठीक है, so both type of the nephritis, pyelonephritis comes in the upper UTI, while the cystitis and the urethritis, these are the lower part urethra and bladder. So the inflammation of the urethra and the bladder is come under the lower UTI. ठीक है, देन हमारे पास आता है epidemiology, यानी हम कौन से ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं कि इनकी इन्फेक्शन रेट इंक्रीज है और क्यों है. ठीक है, सो इट कैन बी सीन इन ऑल ग्रुप, यानी अगर आप एक छोटे बच्चे को देखेंगे तो वहां से लेके एडल्ट तक इट कैन टेक प्लेस इन एनी टाइप ऑफ द ग्रुप, इन एनी टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, फ्रॉम इन्फेंट टू एडल्ट होता है. व्हाइल विमेंस आर मोर प्रोन और दे आर मोर प्रीवेलेंट टू द यूटीआई, सो क्यों उनकी जो विमेन है वो क्यों ज्यादातर प्रीवेलेंट होती है यूटीआई में, उन्हें क्यों ज्यादा चांसेस होते हैं यूटीआई होने के, तो उसके रीजन आप
आपने याद रखना है कि एक रीजन क्या है कि इनका जो लेंथ होता है लेस लेंथ ऑफ यूरिथ्रा, ठीक है, सो द इंफेक्शियस ऑर्गेनिज्म कैन इजीली टेक एंट्री इनटू द यूरिथ्रा एंड देन इनटू द ब्लैडर. डिस्टेंस बिटवीन यूरिथ्रा एंड एनस इज लेस, सो द बैक्टीरिया फ्रॉम द एनस कैन एंटर इनटू द यूरिथ्रा इफ द फीमेल इज नॉट प्रोन टू पर्सनल हाइजीन. एंड द थर्ड इज वॉर्म warmer region because it lies close to the body, or next kya hai moist. So all of these conditions are actually increasing the risk of the chances for a woman to be more prone for the UTI, while a very less amount of male are prone to UTI and it occurs only in 0.04% males. Theek hai, देन हमारे पास आते हैं इटियोलॉजी और द कॉसेस. सो बेटा इसकी इटियोलॉजी क्या है कि इट कैन बी कॉज बाय द बैक्टीरिया वायरस एंड फंगी. सो फर्स्ट आपके पास बैक्टीरिया है, उन बैक्टीरिया में एस्टरिसिया कोलाई है या ई कोलाई है, विच इज अ कॉमन कॉज 80%. जैसे भी हमने कहा कि फीमेल में एनएस और यूरिथ्रा क्योंकि साथ साथ होते हैं, तो ई कोलाई एनएस से यूरिथ्रा में इंटर हो सकता है एंड उसमें जाके कोलोनाइज होके वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है. वाइल आपके पास 20% जो है वो अदर देन ई कोलाई जो है वो कॉज होती है, सो क्लेक्सेला है, एंटीरोकोकाई बैक्टीरिया है या प्रोटीएस है. These are the gram negative bacteria. They can also be accumulated or colonized in the urinary tract and cause the infection. और स्ट्रेप्टोकोकस पिसेलिस है एंड स्ट्रेप्टोकोकस सेप्रोफाइलस है, तो ये भी जो है वो ये ग्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये दोनों भी जो है वो इतनी ही एबिलिटी रखते हैं टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करके यूरिनरी ट्रैक को इन्फेक्ट करने की. देन हमारे पास वायरसेस हैं रूबेला एंड एचआईवी, तो आपको पता है कि बहुत सारे इन्फेक्शन कॉज करता है या उसके साथ अपॉर्चुनिटिस्ट इन्वेजन्स होती हैं, सो यूटीआई कैन बी कंसिडर्ड एज अपॉर्चुनिटिस्ट इन्वेजन. देन हमारे पास फंजाई हैं, फंजाई के स्पोर्स जो होती हैं स्पेशली वो टॉक्सिक होती हैं बॉडी के लिए, सो कैंडिडा एल्पिकन एक स्पीशी है और हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम एक फंजाई की स्पीशी है, ये कॉज कर सकती हैं अपने स्पोर्स की प्रोडक्शन से यूटीआई को, ठीक. अच्छा, अब जो इसकी पैथोजेनेसिस है यानी ये किस तरह से डिजीज कॉज कर सकता है या वो बैक्टीरिया या वायरस या फंजाई बॉडी में कैसे एंटर होता है, ठीक है. सो बेटा फर्स्ट हमारे पास आता है असेंडिंग इन्फेक्शन. असेंडिंग इन्फेक्शन का क्या मतलब है कि देखें डिसेंट का मतलब है कि आप किडनी से नीचे आ रहे हो और ये आपके पास है ब्लड यूरिथ्रा एंड देन सॉरी यूरिटर ब्लैडर एंड देन यूरिथ्रा, ठीक है. तो ये तो रूट अगर यू आ रहा है तो इसको आप डिसेंडिंग रूट कहेंगे या आप इसको डिसेंडिंग इन्फेक्शन कहेंगे, ठीक. लेकिन अगर वो यूरिथ्रा से अपवर्ड किडनी की तरफ मूव कर रहा है तो आप इसको असेंडिंग इन्फेक्शन कहेंगे, ठीक है बेटा. सो जैसे हमने यहाँ पे कहा कि फीमेल आर मोर प्रोन टू द डिजीज, व्हाई, बिकॉज दे हैव द लेस लेंथ ऑफ यूरिथ्रा एंड द डिस्टेंस बिटवीन द एनस एंड यूरिथ्रा इज लेस. So it means that the pathogenicity of the ascending infection is more in female because the infectious organism from the urethra can enter into the bladder easily. ठीक है. So अगर वो urethra से bladder में enter हो रहा है तो उसकी वजह से जो infection cause होगा उसको आप ascending infection कहेंगे. Then blood bone spread, इसको आप hematogenous spread भी कह सकते हैं कि blood के through कहीं से कोई bacteria जो है वो transient site के ऊपर अगर move कर जाता है तो वहां पर जाके इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है. डायरेक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म यानी सॉरी ऑर्गन्स, अगर पेल्विक इन्फ्लेमेशन है या कहीं और किसी ऑर्गन के अंदर इन्फ्लेमेशन है तो लिम्फ के साथ भी जो है या उससे डायरेक्ट एक्सटेंड होके वो बैक्टीरिया उस ऑर्गन तक या यूटीआई तक जा सकते हैं और वहां पे जाके स्प्रेड होके अपना इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं, ठीक. देन आते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स. सो बेसिक साइन एंड सिम्टम्स क्या है, डिस्कम्फर्ट इन यूरिनेशन, डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड द मेन पर्पस ऑफ द यूरिनरी ट्रैक इज टू एलिमिनेट द यूरिन और टू मिक्चुरेशन. देन इफ द इन्फ्लेमेशन अकर्स हियर सो द डिस्कम्फर्ट अकर्स हियर. अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, एनी पर्सन फील टू यूरिनेट इमीजिएटली. फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिन गेट इंक्रीजेस क्योंकि कम यूरिन ड्रिबलिंग में रिलीज होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है. देन पेल्विक डिस्कम्फर्ट,
डिसकंफर्ट. ओके देन ब्लर्ड इन द यूरिन कैन अकर्स. उसके अलावा है फीवर एंड चिल. आपको पता है इन्फ्लेमेशन होती है कहीं पे भी, तो उसके रिजल्ट में क्योंकि दीज आर द पायरोजेन, सो द पायरेक्सिया विल कॉज, और उस पायरेक्सिया को इंक्रीज करने के लिए चिल यानी सर्दी लगती है. ठीक है. नॉजिया एंड वॉमिटिंग कैन ऑल्सो अकर एज अ साइन एंड सिम्टम. Then it is diagnosis, so it can be diagnosed by the microscopic urine examination. यानी यूरिन को माइक्रोस्कोप में रख के एग्जामिन अगर किया जाए तो उससे भी पता चल जाता है कि इसके अंदर जो है वो किसी किस्म की कोई कोलोनाइजेशन या बैक्टीरिया प्रेजेंट है. और यूजली यूरिन आदि का जो टेस्ट किया जाता है वो भी आपको इसकी कंफर्मेशन कर देता है. देन यूरिन कल्चर. अच्छा, अगर ब्लड यूरिन के साथ अगर पस आ रही है, मतलब डेड न्यूट्रोफिल्स आ रहे हैं, तो इट इज़ अ बिग साइन कि यूरिन के अंदर जो है वो इन्फेक्शन है, यानी यूरिन ट्रैक में इन्फेक्शन है. यूरिन कल्चर देखिए, सम टाइम ऐसा होता है कि यूटीआई जो है वो क्योर नहीं होता इन स्पाइट ऑफ टेकिंग मेडिसिंस. तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया है, कैसे डिजीज कास्ट कर रहे हैं, उसमें कौन से टॉक्सिन्स हैं, उसके अगेंस्ट कौन सा एंटीबायोटिक इफेक्टिव है, तो ये आपको मिलता है यूरिन कल्चर के थ्रू. जैसे आपने उसमें टाइफाइड में भी पढ़ा था कि एक टूबिडोल टेस्ट होता है जो कि आपको जस्ट एंटीबॉडीज की प्रेजेंस बताता है कि एंटीबॉडी है या नहीं है. तो इस तरह यूरिन आ रही भी आपको जस्ट बताते हैं कि बस है या नहीं है. ठीक है. लेकिन उसका जो यूरिन कल्चर होता है, तो यूरिन कल्चर बताता है कि कौन सा एक्चुअली बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से यूटीआई कॉज हो रहा है. देन सीटी स्कैन है या एमआरआई है, तो दीज आर द आप ये कह सकते हो कि एग्जैक्ट इमेजिनेशन की जिसकी वजह से आपको पता चल सके कि एक्चुअली बैक्टीरिया कौन सा वाला है या कौन सा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज को कॉज कर रहा है. देन कम्स द मैनेजमेंट. और मैनेजमेंट को आप ट्रीटमेंट भी कहते हो. सो यूजली एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जब कभी भी यूरिन में पस जो है वो आए, तो मीन्स की न्यूट्रोफिल्स हैं, और न्यूट्रोफिल्स तभी होते हैं जब वहाँ पे कोई ना कोई टॉक्सिन प्रेजेंट होता है. ठीक है. और टॉक्सिन्स तब प्रोड्यूस होते हैं जब कोई बैक्टीरिया या फंजाय जो है वो बॉडी के अंदर एक्युमुलेट हुआ है. सो एंटीबायोटिक्स में बेटा जो ज़्यादा कॉमनली एंटीबायोटिक्स दी जाती है फॉर एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म उनको एमॉक्सिलिन कहते हैं. सो एमॉक्सिलिन जो है ये आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं. एंड इट इज़ अबाउट 3 to 7 day कोर्स जिसको कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक अगर कंप्लीट कोर्स में ना ली जाए तो वो भी डेंजरस होती है और वो बैक्टीरिया दोबारा से लॉग फेज में जा सकता है. ठीक है. देन मोर वाटर इनटेक. जितना वाटर इनटेक ज़्यादा होगा उतना उसके साथ बैक्टीरिया या जो भी कोलोनाइजेशन या टॉक्सिन्स हैं वो डाइल्यूट होकर रिमूव हो सकते हैं, और यूरिन वो जो आपके साइन एंड सिम्टम्स हैं वो भी यूजली डिसअपियर हो जाते हैं. और कैनबेरी के जूसेस हैं ये एक्चुअली इसलिए दी जाते हैं क्योंकि इनके अंदर सिट्रेट होते हैं और वो कोलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है. और वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल डैट इज देयर प्रिवेंशन. सो प्रिवेंशन में लास्ट की बात है कि आपका वाटर इनटेक इंक्रीज होना चाहिए और आपकी पर्सनल हाइजीन जो है वो बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए ताकि कोई भी इन्फ्लेमेशन जो है वो बॉडी के अंदर क्रिएट ना हो. सो किसी भी किस्म की डिजीज है तो उसके लिए लाजमी बात है कि बंदे को अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए. ठीक है. सो दैट वॉज अबाउट द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़.